हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 57 करेंगे जो कि इंग्लिश की है, संतोष यादव चैप्टर से रिलेटेड है। संतोष यादव वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा। तो संतोष यादव एक गर्ल थी जो कि हरियाणा के छोटे से एक विलेज से थी। वो एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली से थी जो कि बहुत ही रिच लोगों की थी। तो शी वॉज द यंगेस्ट, वो सबसे छोटी थी एंड द ओनली सिस्टर, और अपने पांच ब्रदरों में से सिर्फ एक ही सिस्टर थी। एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और जो लोग सोचते थे भेदभाव जो होता है गर्ल्स और बॉयज में, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आगे क्या होता है, आगे ये होता है, शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस। वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनती थी, जो कि उसके जो मतलब वो गर्ल्स पहनती है वो ड्रेसेस नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट्स को पहनती थी। शॉर्ट्स होते हैं ना बॉयज के, पजामे वगैरह। वो स्टडी करती थी एक विलेज स्कूल में। लुकिंग बैक, जब वो पीछे देखती थी तो उसे बहुत सी चीजें दिखती थी। उसे दिखता था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से उसने स्टार्ट किया है उसको एक ही पाथ चुनना चाहिए और उसी पे अमल करना चाहिए। वो ये कहती थी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बहुत ही खुश था दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, कि अगर मैं एक सही पाथ चुनती तो जो लोग थे वो मुझे देख के चुनते। तो दिस डिटरमिनेशन हेल्प्ड हर, इसकी वजह से वो अपना सक्सेस पा पाती थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से कहती कि वो जब तक शादी नहीं करेगी, जब तक उसे प्रॉपर पूरी एजुकेशन जहाँ तक उसे पढ़ना है वो नहीं मिलेगी। शी ऑल्सो टोल्ड, उन्हें ये भी कहती कि उसे और भी वर्क पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी है एजुकेशन के साथ साथ। फाइनली जब वो मान गए उसकी एजुकेशन का फंड देने के लिए, तो आफ्टर पासिंग हाई स्कूल्स उसने क्या किया, उसने महारानी कॉलेज को जयपुर में ज्वाइन किया। उसका रूम कस्तूरबा होटल में था जो कि हरावली हिल्स के बिल्कुल सामने पड़ता था। तो वहां से वो लोगों को चढ़ाई करते हुए देखती हिल पे, वही रीजन फाउंड करने में बहुत ही असमर्थ थी। वन डे शी डिसाइड, एक दिन उसने सोचा कि वो भी माउंटेनियर्स के संग मिलकर चढ़ाई करेगी, बट वो एग्री नहीं हुए। पर उसने उन्हें मोटिवेट कर ही लिया और वो भी चढ़ाई पे चली गई। शी स्टार्टेड सेविंग मनी, वो धीमे धीमे मनी सेव करने लगी। और उसके बाद उसके बिना पेरेंट्स की परमिशन के उसने क्या किया, वो ट्रेनिंग के लिए गई। इन द जस्ट 4 ईयर, 4 साल में ही जो उसकी क्लाइंबिंग थी वो बहुत ही अच्छी हो गई, एंड वो एक बहुत ही अच्छी क्लाइंबर बन गई, जिसका रिजल्ट क्या था, उसका हार्ड वर्क था, उसकी सिंसियरिटी थी। तो इसकी वजह से उसने एक बहुत ही कठिन चढ़ाई माउंट एवरेस्ट में 1992 में की, जिससे वो इम्प्रेस्ड हुई अपनी डेडिकेशन से, अपनी केयरिंग से और अपने कोऑपरेटिव नेचर से। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन पर उसने बहुत सी चीजें की। उसने अपनी ऑक्सीजन शेयर की जो उस पे बची थी, और उसने कई सारे क्लाइंबर्स की जान भी बचाई पर कुछ की नहीं भी बचा पाई। तो उसने एवरेस्ट को उन्हीं 12 महीनों के अंदर एक बार और चढ़ा, और ऐसी पहली वुमेन बनी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्माश्री भी दिया, जो कि नेशन टॉप ऑनर्स को मिलता है। तो फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये लिया, इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल माइंड, आई फेल प्राउड एज एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पर प्राउड है। तो उसने 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज जो था वो हिमालय से इकट्ठा किया, और एक ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनी वो इसी के संग। तो ये क्वेश्चंस करते हैं, अब आपको करेक्ट क्वालिटीज बतानी है संतोष की। तो सी, वो अनसेटिस्फाइड थी, बहुत ही एरोजेंट थी और डिटरमाइंड थी। अब चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, जो कि इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है। तो पहला, इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब मेरे को कोई काम करना होता है तो मैं नहीं सोचती कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। नोवेक डिजोकोविक के द्वारा लिखा गया और यही इसका आइडिया है। तो विच बिहेवियर, कैसा बिहेवियर शो किया गया संतोष का,
जिससे उन्होंने ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को गलत बताया। तो संतोष ने इसको गलत बताया क्योंकि वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी। अब व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग जयपुर, जब वो जयपुर में पढ़ रही थी तो क्या हुआ? संतोष डेवलप द फीलिंग टू बी ऑन माउंटेनियर, कि वो अगर एक माउंटेनियर है व्हेन शी सॉ द विलेजर्स, तो जो विलेजर्स थे उनको देखकर वो चाहती थी कि वो भी अरावली हिल्स पर चढ़े। अब ये ट्रू स्पिरिचुअल मोमेंट था जब मैं इंडियन था, तो आप भी ऐसे ही बताए तो यस टू मैनी टाइम्स, कई बार मेरे को इंडियन पर प्राउड था। कब? जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोरोना के संग सबके संग मिलकर फाइट करूंगा, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से आप ये पांचों क्वेश्चन करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।